लेकिन इस आग ने 14 लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। सिर्फ एक दिए ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब सरकार मुआवजे का मरहम भले ही लगाए, लेकिन अपनों को खोने का गम ता उम्र चुभेगी और शायद ही इस हादसे को कोई भूल पाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। आशीर्वाद टावर की वो मनहूस आग छीन ली कई लोगों की जिंदगी। मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न, कहां हुई आशीर्वाद में चूक। आशीर्वाद टावर की आग बुझ गई है, तमाम लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। कई अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं और उन्हें गुरुद्वारे में आसरा मिला है। मगर इस बीच कई परिवारों का चिराग भी बुझ गया है। 14 लोग मौत की आगोश में जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन जो बच गए हैं उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। कई तो ऐसे हैं जो अपनों का शव लेने के लिए मोर्चरी के पास चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। आपका हमारी बेटी है, सविता, और कौन? नाती है अमन, अमन। और बहन है शांति मालती, और बहन है आशा अंगमैया। मेरा पति कब लकवा मार दिया है, उठने बैठने नहीं सकता है, तो हम नहीं आने सके। हम कहें कि न्योता भेज देते हैं, हम पाछे मिलेंगे आके। हमको खबर मिला रात में, हम भोरे वाला लोकल धर के हम चलाएं। कुछ ही पलों में जगह जगह से लोग आना शुरू हो गए और काफ़ी बिल्डिंग पर भगदल मच गया एकदम इस होने के बाद में। और आग जो है बड़ी तेज़ी से फैला और हमारा छत से पीछे में जो है पाटलिपुत्र नर्सिंग होम है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, गाड़ियां यहां आती, अपना काम शुरू करती, उसके पहले ही पीछे से पानी का मोट पाइप दिया। और हमारे सहयोगी हैं कि मेरे साथ में सतपाल सिंह जी बरोका, तो उन्होंने आकर के खुद ही मोर्चा संभाला। हम भी उनके साथ में थे, अपना छत के ऊपर से पूरा पानी का दे करके बुझाने का काम किए। दर्द बहुत गहरा है, इसे भरने में वक्त लगेगा, लेकिन सीएम सोरेन ने मुआवजे का मरहम जरूर लगाने की कोशिश की है। मरने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का